नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है खरगोन से, नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 30,65,000 के नकली नोट जब्त किए हैं। प्रिंटर, कागज, कटर और अन्य सामग्री भी बरामद की है। बलकपाड़ा थाने ने कार्रवाई की है। तो नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 30,65,000 के नकली नोट जब्त किए गए हैं। प्रिंटर, कागज, कटर और अन्य सामग्री भी बरामद की है पुलिस ने। बलकवाड़ा थाने ने कार्रवाई की है। खरगोन से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश किया है पुलिस ने। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनेश कीते हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश किया है पुलिस ने, कब से ये गिरोह नकली नोट का जो है गोरख धंधा चला रहा था? ये खरगोन जिले के बलकवाड़ा थाना क्षेत्र का मामला है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि मामा भांजे दो मिल करके ये नकली नोटों का करीब 4 महीने से गोरख धंधा चला रहे थे। पहले इन्होंने धीरे धीरे करके स्व सहायता समूहों के माध्यम से और छोटे मोटे हाट बाजारों, पेट्रोल पंपों पे खपाने का कार्य किया, लेकिन आज दिन की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी, अभी पुलिस की पूरी कार्रवाई हो चुकी है, अभी और भी जो है सामग्री बरामद जो पुलिस की तरफ से है वो कर ली गई है और भी छानबीन की जा रही है क्या? पुलिस की तरफ से अभी और एसपी ने प्रेस वार्ता जारी करके ये बताया है कि अभी और सघन पूछताछ की जा रही है और आरोपियों की संख्या बढ़ने की संभावना ऐसी दर्शाई जा रही है। जी दिनेश, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बिल्कुल नकली नोट गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभी भी पुलिस की जो है आरोपियों से पूछताछ जारी है, हो सकता है इसमें और भी नाम सामने आए। 6 आरोपी जो फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं और साथ ही सामग्री, प्रिंटर, कागज, कटर और अन्य सामग्री भी जो नोटों के इस्तेमाल में बनाने में जो यूज की जा रही थी उसको बरामद किया है।